लगभग 1.5 से 2 करोड़ का गेहूं परिवहन घोटाला उजागर। गेहूं परिवहन में धांधली, आखिर इसका जिम्मेदार कौन? लंबी दूरी के गोदामों में गेहूं भेजकर ठेकेदार को पहुंचाया 1.5 से 2 करोड़ का फायदा। आखिर क्यों नहीं हो रही कार्रवाई? दोबारा से धांधली की तैयारी, उसी फर्म से कराया जा सकता है परिवहन का कार्य। स्थानीय विधायक मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने भी परिवहन अनियमितताओं के संबंध में तत्काल आवश्यक कार्रवाई के दिए निर्देश, फिर भी नतीजा शून्य। शिवपुरी बना घोटालों की नगरी, आखिर कब तक बचते रहेंगे घोटालेबाज? देखिए विस्तार से खबर गेहूं परिवहन घोटाला कल 30 मार्च दोपहर 2 बजे सिर्फ फास्ट समाचार पर।